आज के वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने बैंक ब्रांच को चेंज कर सकते हैं, अपने अकाउंट को दूसरे बैंक ब्रांच में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप ICICI बैंक का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंक ब्रांच है वो दूसरे बैंक ब्रांच में कैसे चेंज करेंगे। जैसे आप बिहार से हैं और आप दिल्ली चले गए, तो आप चाहते हैं कि मेरा बैंक ब्रांच दिल्ली में हो जाए बिहार वाला, तो वो आप ऑनलाइन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सुराज मैं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से बताऊँगा कि किस तरीके से आप बैंक ब्रांच को दूसरे बैंक ब्रांच में चेंज करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना ब्रांच चेंज करने के लिए आप टाइपिंग करेंगे ब्राउज़र में onlinesbi.com, तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। सिंपली यहां से आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, यहां कहेंगे कंटिन्यू टू लॉगिन, अपना यूजर नाम नेम यहां डालिएगा, इसके बाद पासवर्ड यहां डालना है, इसको जो कैप्चा है कैप्चा यहां डाल के यहां पे आपको लॉगिन कर लेना है। तो इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो के आ जाएगा। यहाँ देखें इस सर्विस पे, इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ तो देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग अकाउंट, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा आपको सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन हो के आ जाएगा। अगर आपको एक से ज़्यादा ब्रांच है तो आप यहाँ पे चूज करेंगे कि आप कौन से अपने सेविंग अकाउंट है वो आप कौन से अकाउंट को आप चेंज करना चाहते हैं अपने ब्रांच को। तो सिंपली उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आप जिस ब्रांच में आपको अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है उसका कोड यहाँ पर डालना है, तो आप उस ब्रांच का कोड डालिएगा जहाँ पर आप अपने ब्रांच को शिफ्ट कराना चाहते हैं, मतलब ले जाना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर ब्रांच कोड याद नहीं तो सिंपली आप यहाँ नेट से सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया ये ब्रांच कोड, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रांच कोड है, तो इसी तरीके से यहाँ पर ब्रांच कोड को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कोड डालने के बाद सिंपली यहाँ गेट स्टार्ट पे ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आपका ब्रांच नेम यहाँ पे आ गया है, या यहाँ पर कंसेंट देंगे। इसके बाद यहाँ सिंपली सबमिट पे ओके करेंगे। सबमिट पे ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से समरी ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, किस ब्रांच से आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो वो आपके यहाँ आ गया, और किस ब्रांच में आप ले जाना चाहते हो वो आपका यहाँ पे आ गया। सिंपली यहाँ कन्फर्म पे ओके कर देना है। कन्फर्म पे ओके करते ही आपके पास एक OTP आएगा, OTP डाल के यहाँ सिंपली आपको ओके कर दे कन्फर्म कर देना है। जैसे OTP डाल कर कन्फर्म कीजिएगा तो ये आपका जो है अकाउंट है उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इसमें 12 घंटा का टाइम लगता है, आपको 12 घंटा के अंदर अंदर में आपका जो ये अकाउंट है नई बैंक में आपका ये अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, और नई बैंक का जो IFSC कोड रहेगा वो आप यूज कर सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट को दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सिंपली इस पेज पे आना होगा, ICICI बैंक का इंटरनेट बैंकिंग पे। आपको क्या करना पड़ेगा, सर्विस देख रहे हैं, सर्विस पे क्लिक कर देना है। जैसे सर्विस पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। ये देख रहे हैं कि ऊपर वाला सबसे ऊपर अकाउंट सर्विस का है, सिंपली आप इसके पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ देख रहे हैं ट्रांसफ़र योर अकाउंट का, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करना। अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका ब्रांच आ चुका है, आपका पूरा एड्रेस आ चुका है, अगर आप अपना ब्रांच को दूसरे ब्रांच में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करते ही आपको सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आपका अकाउंट नंबर आ गया, आपका कस्टमर ID आ गया, यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सिटी डाल दीजिए जो जहाँ भी आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ से इसको सिटी यहाँ पर डालता हूँ, देखिए ये सर्च होकर ले चुका है। सिंपली मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ ब्रांच चेंज कर लीजिए कौन सा ब्रांच है। चलिए मेरे पास ये ब्रांच मैं चेंज कर लेता हूँ। अगर आप ईमेल आई डालना चाहते हो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। सिंपली आपको क्या करना है, इसलिए सबमिट करना है। सबमिट करना करते कुछ यहाँ बोल रहा है अलर्ट, ये क्या आप सेव्ड है, अगर यहाँ करना चाहते हैं अगर आप ब्रांच को दूसरे ब्रांच में सबमिट करना चाहते हैं अपने ब्रांच को, तो अगर करना चाहते हो सिंपली यस करेंगे, ठीक है। अगर यस करते ही आपका ये जो ब्रांच है दूसरे ब्रांच में आपका जो पहला वाला ब्रांच है वो नया ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और वहाँ का जो भी आपका IFSC कोड मिलेगा, माइक्रो कोड मिलेगा और अकाउंट नंबर मिलेगा, वहाँ का जो आपका ब्रांच कोड मिलेगा, वो सब बहुत ही आसानी से उस बैंक का आप यूज कर सकते हो, और ये बैंक का जो आपका पहले वाला है ये ऑलरेडी बंद हो जाएगा और नया वाला में चालू हो जाएगा।
सभी बैंकों में अपना जो अकाउंट है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने की सुविधा नहीं है, तो आपका जो बैंक में जो भी बैंक है आपका अगर उसमें नहीं है तो आप ऑफलाइन में भी फॉर्म भर के जमा कर दीजिएगा बैंक में, तो आपका जो अकाउंट ट्रांसफ़र उसमें जहाँ भी जाइएगा वहाँ पर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप अगर ऑनलाइन में सुविधा नहीं है आपके बैंक में तो आप उसको ऑफलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट को किसी भी बैंक में। तो सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।